जो परियों की पांखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, जो मासूमों की असमत से खेले उन हैवानों की आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो, आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। मणिपुर में जो कृत्य हुआ वो आत्मा को झकझोर देने वाला था। बहुत पहले कभी सुना था कि फूलन देवी के साथ ऐसा हुआ या किसी और के साथ इस प्रकार की घटना घटी, ऐसा कृत्य हुआ, वो अलग दौर था। पर अब ये दौर, जिस समय हम चंद्रयान छोड़ रहे हों, जिस समय समूचे विश्व पटल पर भारत विश्व गुरु बनने फिर से जा रहा हो, जिस समय हम इतनी सारी उपलब्धियों के साथ खड़े हों, ऐसे में सड़क पर महिलाओं को नग्न दौड़ाया जाता है, ऐसे में उनके साथ अपमान की सीमाएं पार कर दी जाती हैं, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, ये अपमान, ये जघन्य अपराध है। और पूरी की पूरी भीड़ इस समूचे कृत्य में साथ है। इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता, इससे बड़ा जघन्य अपराध हो नहीं सकता। कहाँ है वक्त जिसने शौर्य साहस की कला दी थी, शिला लंकेश के मद की निमिष भर में गला दी थी, जहर कैसे घुला उस देश के संस्कार में जिसने कभी नारी के स्वाभिमान पर लंका जला दी थी। इस प्रकार के कृत्य, ऐसे कृत्य पहले भी हुए हैं, हर काल में होते आए हैं, हर एक के राज्य में होते आए हैं, लेकिन दंड विधान ऐसा होना चाहिए कि करने वालों की रूह कांप जाए, वो जो कदम से कदम मिलाकर के साथ खड़े हैं उनकी रूह कांप जाए, कभी दोबारा इस प्रकार का कृत्य करने के बारे में ना सोचें, और जो लोग इस प्रकार के कृत्य का समर्थन करते हो उनकी भी रूह कांप जाए। एक बात कहती हूं, जब दुशासन द्रौपदी के केश पकड़ करके राजमहल से दरबार में लेकर के आ रहा था, उस समय उसके रक्षक मौन शीश झुकाकर बैठे थे, उसके पांचों शूरवीर रक्षक और साथ में पूरी सभा शीश झुकाकर बैठी थी। वो क्रीड़ा में हारे हुए थे और क्रीड़ा में हारे हुए प्रतिभागी को ये प्रावधान नहीं था कि राजधर्म ये अधिकार नहीं देता था कि वो शीश उठा सकें, लेकिन जब वक्त आया, समय आया और राजधर्म ने ये अधिकार दिया, तब दुशासन की छाती फाड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के केश धोए गए। ऐसे ही दंड प्रावधान की मैं कामना करती हूं। यदि कृत्य तालिबानी है तो दंड भी तालिबानी होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि उन्होंने संसद की प्राचीर से जिस क्रोध को आमंत्रण दिया था, वो क्रोध, उस क्रोध की अग्नि शांत ना हो तब तक जब तक कि अपराधियों को, उन दुष्टों को दंड ना दिया जाए। और मानवों से एक अनुरोध करती हूं कि हम जागे ये उससे पहले राख का ढेर ना हो जाए, हम जागे ये उससे पहले राख का ढेर न हो जाए, जुर्म नेवला बढ़ते बढ़ते बब्बर शेर न हो जाए, दिख रही है हमें ज्वाल में ढलते अब चिंगारी ये, दिख रही है हमें ज्वाल में ढलते ये चिंगारी अब, मानव को मानव बनने में कहीं देर न हो जाए।